हेलो माइक चेक माइक चेक ओके गाइस सो हियर वी आर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज आप लोग सब एक्साइटेड हो क्या मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई आप लोगों को बहुत दिनों से पढ़ाना था बहुत इच्छा थी आप लोगों को पढ़ाने की एकदम सो so, फटाफट फटाफट अभी uh, सब लोग जुड़ जाओ एकदम मस्त uh, बहुत तूफान तोड़ फोड़ करेंगे एकदम बहुत भारी मजा आएगा भाई फुल uh, माहौल बनाएंगे एकदम राडा ओके okay, राके so दोस्तों फटाफट फटाफट मैं आपको बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं एंड शेड्यूल आप एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझ लेना और ये कैसा शेड्यूल होगा मतलब बता रहा हूं कि इस लॉकडाउन में ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना आपका इतने दिनों में ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना कि भाई आपका दिल खुश हो जाएगा मतलब बाइक गॉड मजा आ जाएगा सो so, चलो एकदम आराम से मन लगा के बात करते हैं कुछ हम लोग आराम से एकदम मस्त अपने नोट्स वोट्स साथ में रखना अगर आपके आपकी खुद के नोट्स नहीं है जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए तो अपनी क्लास की नोट्स मॉड्यूल तो रखना साथ में जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ नहीं है या जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है टेंशन नहीं लेने का जिसमें से भी तूने पढ़ा है वो किताब सामने रखने का करेक्ट है ना उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी करा है तो आईसीआई का मटेरियल आईसीआई का मॉड्यूल सामने रखने का सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं रिवीजन में एकदम माहौल बनाएंगे ओके सो so, दोस्तों पहले पूरा एकदम आराम से शेड्यूल सुनना समझना ठीक है ना सो so, मेरा बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सी ए इंटर ऑडिट करेक्ट है ना इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं लाइव रिवीजन पूरा पूरा कोर्स का करेक्ट है ना सर कौन से चैप्टर्स कराओगे ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो क्या क्या आप लोग इसमें से एक्सपेक्ट करोगे सो हम लोग बात करेंगे ऑल ध्यान में रखना इसमें एकदम मन लगा के पहले पूरा अच्छे से समझ देना अपना स्ट्रक्चर कैसा होगा ठीक है ना फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सो so, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चैप्टर्स बोल रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं कि मैं क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं पूरे चैप्टर रिवाइज कराऊंगा एकदम सारे इंपॉर्टेंट जो है वो जो चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अपलोडेड है उसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा वो बाद में देख लेना टाइम बहुत क्रूशियल है ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिविजन करेंगे करेक्ट है ना फिर उसके बाद जब रिविजन कराऊंगा सो मैं आज जैसे टूडे वॉट डे इज टूडे और सीक्वेंस कैसा होगा सीक्वेंस कैसा होगा ये भी बता दो सीक्वेंस कैसा होगा मतलब मॉड्यूल मतलब सीक्वेंस मेरी मर्जी छोड़ो मॉड्यूल का भी नहीं मेरी मर्जी जो भाई बोलेगा वैसा पढ़ाएगा मतलब मेरे जो मन में आएगा वैसे मैं पढ़ाऊंगा मॉड्यूल का भी नहीं जिस दिन मेरा जो मूड रहेगा जिस दिन मेरे को लगेगा कि आ, भारी पढ़ना एकदम तोड़फोड़ तो मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर जो मेरे मूड के हिसाब से रहेगा बट मैं आपको ऑब्वियसली एक दिन पहले बता दूंगा सीक्वेंस एच जे के हिसाब से फिर उसके बाद सेशंस कब होंगे सर ये सेशंस जैसे टुडे आज अपना एक सेशन होगा टुडे वी विल बी कवरिंग व्हाट चैप्टर वन पूरा का पूरा चैप्टर वन जो है बेटा रिवाइज कराऊंगा आज नेचर स्कोप ऑफ ऑडिट पूरा पूरा बराबर फिर उसके बाद जब मैं आज जो डेट है आज क्या है ट्वेंटी फिफ्थ मे ट्वेंटी फिफ्थ है ना तो फिर सर दूसरा चैप्टर कब रिवाइज कराओगे दूसरा चैप्टर कराऊंगा मैं 26 को नहीं दूसरा चैप्टर कराऊंगा मैं 27th में को मतलब मैं एवरी अल्टरनेट डे करेक्ट है ना एवरी अल्टरनेट डे मैं आपके ये इंटर ऑडिट के रिवीजन सेशंस लूंगा मेरे साथ बैठने का रात में मस्त और पढ़ते बैठने का एवरी अल्टरनेट डे मैं आपके साथ दूंगा रिवीजन सेशंस तो सर आप हमें ये बताइए कि आप ये वन डे का गैप क्यों दे रहे हो वाई वन डे का गैप भाई बता रहा हूं टाइम अपने पास है ना एकदम मस्त है रिवीजन करने के लिए तो आपको मैं वन डे का ये गैप इसके लिए दे रहा हूं ताकि आप आपके हिसाब से स्टडी कर लो यू स्टडी द नेक्स्ट डे का चैप्टर एट योर होम आई बात समझ में तो जब तेरा नेक्स्ट डे वो चैप्टर तेरा पढ़ के हो जाएगा फिर परसों मेरे साथ मिलेगा तू तो नया चैप्टर पढ़ेगा कोई नया टॉपिक पढ़ेगा कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेगा शाम में आने का मेरे साथ बैठने का फटाफट एक घंटा दो घंटा तीन घंटा मन में आएगा उतनी देर पढ़ाऊंगा ड्यूरेशन एंड टाइम फिक्स नहीं है स्टार्ट टाइम फिक्स है तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपने वन डे का गैप में आपको दूंगा और आपने क्या करना है पूरा पूरा उसको स्टडी करना है करेक्ट है एकदम यस उसके बाद अब नेक्स्ट अभी यहां पे ये सेशंस में रिवीजन मतलब क्या कराओगे रिवीजन मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट फटाफट 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 फटा -फट, वो भी एकदम फास्ट फास्ट स्पीड में बराबर के नहीं आपने एकदम अलर्ट रहना है साउंड वगैरह एकदम क्लियर है चेक करने का अगर मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है बराबर से तो आपने ईयरफोन्स लगाने का ईयरफोन्स लगा के अकेले में बैठने का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आजू बाजू कोई नहीं होना करेक्ट है ना फास्ट स्पीड में तो ये रिविजन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा एकदम फास्ट स्पीड में उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर लाइव सेशन आफ्टर लाइव सेशन ये अपने चैनल पे पोस्ट भी होगा बहुत बच्चों का क्वेरी होता है कि सर ये लेक्चर जो है ये पोस्ट होगा कि नहीं होगा भाई पोस्ट भी होगा बट आपके लिए रेकमेंडेड क्या है रेकमेंडेड ये है कि अटेंड लाइव रेकमेंडेड क्या है अटेंड लाइव ये मैं बोल रहा हूं एकदम भाई बात समझना रिकमेंडेड क्यों है टू अटेंड लाइव क्योंकि जब मेरे साथ रहोगे मेरे साथ साथ फटाफट फटाफट क्या हो जाएगा वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तुम समझो तुम बोलोगे मैं बाद में देखूंगा सोते समय देखूंगा ऐसा करूंगा फलाना ढिमकाना तो वैसा चलेगा नहीं ठीक है ना ऐसा चलेगा नहीं मेरे को तो आपने क्या करना है मेरे साथ बैठने का लाइव सेशन अटेंड करने का इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या बताइए इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या नहीं बहुत बढ़िया सो so, उसके बाद नेक्स्ट अब ये सारे सारे मैं बातें होने के बाद आपसे उम्मीद कर रहा हूं क्या उम्मीद कर रहा हूं जो भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं करेक्ट है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं बराबर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा मैं है ना इसको स्टार मार्क करने का एकदम इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो होंगे

So, ये सारी चीजें होगी बेटा चैप्टर वाइज रिविजन जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर वाइज रिविजन होगी और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, मेरे दोस्तों ये सारी बातें अगर आपको क्लिक हो गई होंगी और आप लोग सब जुड़ गए होंगे बता दो फटाफट आप लोग सब कनेक्ट हो गए हो क्या मेरे साथ फटाफट लाइक का बटन दबा दो धार 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 तो मुझे आपका अटेंडेंस मार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता चलेगा एंड अगर मेरे को दिख जाएगा कि भैया 150 बच्चा आ गया है 150 लाइक्स के हिसाब से ज्यादा भी नहीं 150 जो बच्चा अभी खाना वाना खा के अभी मस्त पढ़ाई को बैठा है तो फटाफट 150 लाइक्स मेरे को चाहिए 150 लाइक हो जाएगा अटेंडेंस मार्क हो जाएगा जयराम जी की मैं शुरू करेगा और वैसे सबको ईद मुबारक एकदम मस्त मजा आएगा अभी माहौल एकदम आज दिन भी एकदम भारी माहौल करेंगे एकदम चलो फटाफट चलो अरे सुपर तो इज हियर एवरीबडीज मी नाउ सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एकदम आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ते रहना एकदम जोरदार पढ़ाऊंगा सो so, मेरा बच्चा अब हम लोग बात कर रहे हैं अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने का मेरे को एकदम मन लगा के पढ़ने का आपने भी डिस्टर्ब नहीं होने का आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस ठीक है ना तो चैप्टर वन बात कर रहे अपन अबाउट नेचर ऑब्जेक्टिव एंड Of audit. तो मेरा जान, बात समझ। इस चैप्टर में अपने को तीन चीजें पढ़नी है ऑडिट का मतलब क्या है ऑडिट क्यों करते हैं और ऑडिट जब करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है तो ये सारी बातें एकदम आराम से मन लगा के हम लोग को डिस्कस करना है पढ़ना है ओके सर सो जब मैं फर्स्ट यहाँ पे बात करता हूं फर्स्ट टॉपिक तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे अपना फेवरेट वो क्या है मीनिंग मीनिंग मतलब क्या अपना डेफिनेशन बॉस सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी है ऑडिट के इस डेफिनेशन में कि क्योंकि भाई तुम समझो आपका पेपर एमसी वगैरह भी है बराबर के नहीं सो so, एम सी क्यू बेस्ड वगैरह भी है तो एकदम ध्यान से आराम से मन लगा के आप देखना ठीक है ना ओके सो मीनिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे सो so, ऑडिट क्या है ऑडिट इज एन नंबर वन It is an independent examination or it is what an independent. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वर्ड आगे आपको बहुत आ, क्या बोलते हैं उसको काम में आएगा सो so, ध्यान में रखना जैसे ये अपन अपने क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में बात करें या अपन अपना ऑडिट रिपोर्ट देने के बारे में बात करें सो so, ये इंडिपेंडेंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी ऑडिटर्स के डिसक्फिकेशन अगर जब अपन देखते हैं तो बहुत सी बार रीजन आता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है इसके लिए वो डिस्कालीफाई हो जाता है सो so, ये वर्ड इंडिपेंडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन की बात करते हैं मतलब हम लोग यहां पे बोलते हैं कि इट इज गॉट टू डू विथ वॉट चेकिंग इट इज गॉट टू डू विथ वॉट वेरिफिकेशन इट इज गॉट टू डू विथ वॉट इवेल्यूएशन एटसेट्रा सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ वॉट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक बात मैं आपको बता दू ऑडिट जब ये वर्ड यूज होता है सो so ऑडिट ये अपन यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स में पढ़ते हैं करेक्ट है ना एकदम सो so बिल्कुल भी आपने ऑडिट जब वर्ड आएगा तो पक्की बात है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो रहा है सो इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना अब ये किसका होगा तो ये हम लोग बात करते हैं कि ये होता है ऑफ एनी एंटिटी ये किसका होता है ये ऑफ एनी एंटिटी मतलब एनी एंटिटी मतलब तुम वर्ड समझो बात को एनी एंटिटी का मतलब चाहे ये इंडिविजुअल हो या चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे वो कंपनी हो या चाहे वो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी तरीके का हो वो कोई भी एंटिटी का हम लोग उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर सकते हैं चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो इेस्पेक्टिव ऑफ द साइज और इट्स स्ट्रक्चर ये सब अल्टीमेटली हम

ट वी टॉक अबाउट इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कौन सा बच्चों डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट किसी को कुछ क्वेरी कुछ डिफिकल्टी बताइए फटाफट नहीं है ना वेरी गुड चलिए तो मैं अभी नोट्स भी खोल लेता हूं आपके सामने तो आपको दिखेगा भी कि हम लोग क्या पढ़ रहे है कहां से पढ़ रहे है ठीक है ना चल बेटा उफ, ओके सो so ये बात हो गई अपने ऑडिट का मतलब की अब अपन सेकेंड टॉपिक उठाते हैं यहाँ से टॉपिक क्या है अपना चलो एकदम मस्त बुक खुलते हैं यहाँ पे ओके सो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया इसमें से एकदम सारी चीजें रिवाइज करेंगे एकदम मन लगा के सो ये डेफिनेशन हो गया अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है ध्यान से पढ़ना स्क्रीन पे द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क क्या बोलता है द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टेक केयर ख्याल रखना है द पर्सन कंडक्टिंग पर्सन मतलब कौन है भाई यहाँ पे ये तो अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट मतलब ऑडिटर ने क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये अब उसका काम सही हो जाए सो so, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्यू क्या ध्यान में रखना है टेक केयर क्या, क्या करना है दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसीड एनी बडी this financial statement should not mislead anybody मतलब ये क्या कहता है कि इसने किसी को भी धोखा नहीं देना है भाई अपने को मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं डिसीजंस लेते हैं इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना एक्सपेंशन करना या नहीं करना तो भाई लोग डिसीजन लेते हैं तो अपने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसने क्या करने को बोला है उसने ही हैज टू टेक केयर ही हैज टू टेक केयर क्या दीज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनी किसी को भी वो गलत डिसीजंस लेने पे ऐसा वो उसको कुछ गलत ना हो जाए मजबूर ना हो जाए तो वो सही काम होना चाहिए तो अगर जब उसको ये मिसलीड नहीं करना है तो उसने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए तो सबसे पहले सिंपल सी बात है फटाफट खत्म करते हैं उसको सबसे पहले वो क्या कहता है

उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं है, वो, वो किसी को भी मिसलीड करना नहीं चाहिए करेक्ट है ना और फिर उसके बाद जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स देते हो क्या देते हो आप डिस्क्लोजर्स देते हो तो वो डिस्क्लोजर्स क्या करने चाहिए इट शुड भी प्रॉपरली क्लासिफाइड डिस्क्राइब एंड डिस्कलोज पूरा आपने वो कितने उसमें अगर आपके क्या बोलते हैं उसको कॉल्स इन एरियर्स है तो डायरेक्टर्स के कॉल्स इन एरियस कितने और बाकी लोगों के कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं नोट्स टू अकाउंट्स में आपने ये सारी सारी चीजें आपने क्या करना चाहिए ये सारी सारी आपने प्रॉपर डिस्कलोजर्स देनी है और वो सारी बातें होने के बाद फिर एंड में हम लोग क्या कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव वॉट ट्रू एंड फेयर व्यू सो ये मेरा बच्चा हम लोग जब ऑडिट करते हैं ध्यान से सुनना एकदम समझना अच्छे से हम लोग

These not be फिर आगे बढ़ते क्या कहना चाहिए एंट्री शुड नॉट बी ओमेटेड या तो उसके अंदर कोई भी फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन एंट्रीज ये एंट्रीज के लिए अपने पास Uh, स, चाहिए सफिशियंट एंड्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई ये एंट्री जेन्युन है या नहीं सो अकाउंट शुड बी ड्रॉन बेस्ड ऑन एंट्रीज द एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाई एविडेंस द एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड करेक्ट है ना फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट चलो फटाफट बोलो सो so, अकाउंट्स एंट्री शुड नॉट बी ओमिटेड फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं द इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है इट शुड बी वॉट इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस कैसा होना चाहिए इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस अनएम्बिग्युअस होना चाहिए फिर उसके बाद वो प्रॉपरली वो इंफॉर्मेशन जो है इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कलोज डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड सही बात है ना एकदम सो इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कलोज डिस्क्राइब एंड क्लासीफाइड सो ये बातें हम लोग ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और ये सब होने के बाद जैसे हमने कहा था मेरा बच्चा एंड में अपने को क्या देना है एंड में अपने को देना है एक ओपिनियन और वो ओपिनियन हमारा कैसा होगा एंड में वी शुड से दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवस वू एंड फेयर व्यू तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा कोई भी अपना डिसीजन uh, जो लेना है वो एकदम सही हो जाएगा ओके okay. उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पेज क्लास अब बस सोलह पेज और बाकी है मेरा बच्चा ओनली सिक्सटीन पेजेस टू गो बस फिर अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म एकदम ओके उसके बाद हम लोग बात करते हैं सो वट इज ऑडिटर ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज वॉट टू रीजनेबल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू रिपोर्ट रिपोर्ट करना है अपने को ओपिनियन देना है एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एस अब आपको मालूम होगा यहाँ पे एस मतलब कौन सा सेवन की सीरीज काम में आती है यहाँ पे अपने को सात सौ सात सौ एक सात सौ पांच सात सौ दस सात सौ बीस करेक्ट है ना तो ये अपने को की सीरीज यहां पे काम में आती है सो वॉट इज दी ऑडिट सो ये वापस आपको एमसीक्यू के लिए बहुत 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 काम काम में 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 आएगा आएगा तो ध्यान रखना ये जगह आंसर्स लिखने के लिए भी बहुत काम में आएगा आपको सो वॉट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेरा बच्चा बोल दूपटेन रीजनेबल अच्छा खासा भरोसा लेना है हम लोग ध्यान में रखना कभी भी ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन सा अश्योरेंस लेता है रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर को एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बिकॉज आगे टॉपिक डिस्कस करना है अपने बिकॉज ऑफ दी इन्हेरिट लिमिट

ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट तो हमने बच्चा क्या पढ़ लिया फर्स्ट डेफिनेशन में नेचर पढ़ लिया फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया टू रीजनेबल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फिर अब हम लोग बात करेंगे उसका जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है चैप्टर अगर दिमाग में हेडिंग के बेसिस पे अगर आपको स्ट्रक्चर बैठ गया दिमाग में तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ओके okay, सो so अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट क्या बोलना है अपने को व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के ये बेसिक पार्ट लिया ना तो भैया लाइफ एकदम सेट है करेक्ट है ना सो so, अब अपना ये फर्स्ट मीनिंग हो गया मीनिंग के बाद अपना सेकंड टॉपिक जो डिस्कस करना था वो सेकंड टॉपिक अपना डिस्कस कर लिया अपन ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट और ऑब्जेक्टिव में अपने को दो बातें करनी है अपने को एक लेना है रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट करेक्ट है एकदम सर yes, और दूसरा अपने को क्या करना है अपने को रिपोर्ट रिपोर्ट करना है पर पर सो वी हैव टू बहुत सही अब अपने को थर्ड टॉपिक अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है वो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट अब मेरा बच्चा क्वेश्चन को समझ एकदम अच्छे से मन लगा के स्कोप ऑफ ऑडिट में हम लोग क्या कहते हैं कि ओके सर मुझे मालूम है कि मैंने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या देखना बहुत जरूरी था नो no डाउट मुझे वो अकाउंट्स एंट्रीज के बेसिस पे सर वो एविडेंस है क्या नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है तो ये सारी बातें मुझे चेक करनी है बट सर मुझे ये जब बातें चेक करनी है तो उसमें एग्जैक्टली exactly मैं क्या क्या देखूंगा सो मेरा कवरेज क्या क्या है स्कोप मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि हमको क्या क्या कवर करना है सो वॉट इज द कवरेज स्कोप क्या क्या है यहां पे, सही बात है ना एकदम समझ में आ गई बात सो so अभी एकदम कान खोल के एकदम मन लगा के आंखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन पे देखना जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूं टॉपिक बहुत ही छोटा है ज्यादा पॉइंट्स नहीं है बस ये पूरा आपका सात पॉइंट का टॉपिक है उसके अंदर सब पॉइंट्स भी कुछ कुछ है सो so भाई अगर एक बार में बोलूंगा इतना भारी बोलूंगा बॉडी के अंदर जाना चाहिए तो अगर वैसा आपको चाहिए तो फटाफट एकदम मन लगा के सुनिएगा समझिएगा ओके okay. सो so यहाँ पे वॉट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट क्या बोलता है कि इट शुड कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स क्या बोलता है इट शुड कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग की सर हमने सारे के सारे एरियाज हम लोग ने कवर करना चाहिए में कवरेज में क्या क्या आता है कुछ भी छोड़ना नहीं है हम लोग को हम लोग को सब कुछ कवर करना है तो भाई हम लोग कर रहे। करने के बाद हम लोग और कुछ एरिया चेक नहीं करूंगा ऐसा चलेगा नहीं तो पहली बात तो ये कि आपने सारी एरिया है एडिक्वेटली एडिक्वेटली ये वर्ड ध्यान में रखना है, बोलता है वो क्या बोलता है एडिक्वेटली हंड्रेड तो कर नहीं सकते

कि वो एरियाज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंफॉर्मेशन भरोसेमंद है या नहीं है बात पहुंची आप तक एकदम आसान है भाई मैं ऑडिट करने जा रहा हूं करेक्ट है मैं कहा हूं ऑडिट करने आया हूं ऑडिट करने में मैं क्या क्या देखूंगा बता भाई मैं ऑडिट करने में सर सब कुछ देख लेगा ना मैं सब कुछ क्या देखेगा मैं सारे एरियाज देखेगा और जब मैं वो सारे एरियाज देखेगा उन एरियाज में मुझे देखना है कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भरोसेमंद है या नहीं है और दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्कलोज करी गई है या नहीं ये पहुंची बात आप तक एकदम सिंपल है मुझे क्या देखना है मुझे देखना है कि सारे एरियाज को कवर करना है और उन एरियाज में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या कहना है वो रिलायबल एंड सफिशिएंट भरोसेमंद है या नहीं है और वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रेजेंट करी गई है या नहीं सो so, अब यहां पे बात समझना बात समझना फोकस करना अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं है सर मैं कैसे चेक करूं तो आपको दिखेगा नीचे यहाँ पे रिलायबल एंड सफिशियंट है या नहीं है उसके लिए ऑडिटर को फोर्थ पॉइंट में बोला है कि भाई तू ये ये चेक कर ले

है या नहीं है और वो प्रॉपरली है, है वो देखना है मुझे है या नहीं कैसे चेक करूंगा सर अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देख लूंगा दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल के बाद बोल बेटा कि वो जो इंफॉर्मेशन जो है उसको टेस्ट और इंक्वायरी मुझे करना है तो ये बातें मेरी कवर हो जाएगी उसके बाद सेकंड पॉइंट अभी क्या कहता है कि सर वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्कलोज है या नहीं सर वो कैसे देखूं तो यहां पे आपको दिखेगा फिफ्थ पॉइंट में कि वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्कलोज है या नहीं वो कैसे चेक करेगा तू तो उसको कंपेयर करने का विद वॉट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर सोर्स डेटा के साथ क्योंकि वो प्रॉपरली डिस्कलोजर है या नहीं है तो आपको अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स डेटा के

कि मैनेजमेंट का अपने को जजमेंट भी कंसीडर करना है जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करी गई है या नहीं है उसके बाद आपको आखिरी में क्या कहता है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इज कॉम्पिटेंस जो आप के कवरेज में नहीं आता मतलब आपको जिसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपको जिसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो आप करो ऐसे हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है तो भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं ऑडिट करूंगा वैल्यूएशन नहीं कर सकता हूं तो वो चीज आप ना करें आपको इससे कोई मतलब रोकटोक नहीं है रिलैक्स कोई टेंशन नहीं है फिर उसके बाद आपने क्या करना है अगर आपके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट वगैरह आता है तो आपने एक क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है ये आपको ऐसे नंबर 705 पढ़ाता है सही बात है ना एकदम खलास हो गया भाई क्वेश्चन एक पेज डेढ़ पेज मेरे साथ एकदम मस्त ख़लास खलासो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि आ, क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे कि वॉट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट फटाफट 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 अभी मुझे बताएगा मेरा बच्चा वॉट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट फटाफट अभी आपने सात पॉइंट मेरे साथ बोल दिए हैं सुन लिए समझ लिया है तो मैं आपके साथ फिर से एक बार के अंदर क्या एकदम जोरदार सो so, फटाफट मुझे बताइए कि वो वॉट द स्कोप ऑफ ऑडिट फर्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज की आई हैव टू कवर ऑल दी एरियाज इन दैट एरियाज द शुड बी प्रॉपरली डिस्कलोज दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशियंट नेक्स्ट देन वी टॉक अबाउट टू हाउ चेक वेदर द इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशियंट हाउ चेक वेदरलीस्कोडीच इन ड्यूटीज आपके ऊपर नहीं है एंड लास्ट में क्या कहता है तो उस घड़ी उस समय क्या बोलते हैं बच्चों अगर लिमिटेशन आ गया तो उस घड़ी उस समय आपने क्वालिफाइडेड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है खलास अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट सब हेडिंग आप देखोगे थ्री पॉइंट वन हम लोग कहां हैं लोग कहाँ है हम लोग हेडिंग नंबर है थ्री में तो अब उसका एक बच्चा आ गया थ्री का थ्री पॉइंट वन आ गया और आप बोलोगे सर ये बच्चा कैसे आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है देख बेटा एक दम, एक दम, एक दम, कि सर वी शुड कवर वोट ऑल दी एरिया तो सर अब आपने बोल दिया सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखना है तो सर फिर कौन से कौन से कौन से कौन से एस्पेक्ट्स होते है तो वो एस्पेक्ट्स अगर आपको पता करने है वो एस्पेक्ट्स अगर आपको जाना है जानना है पता करना है तो ऑल एस्पेक्ट्स देखो नीचे नीचे आओ देखो 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 नीचे नीचे आओ ऐसा 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 ये आ गए अपन यहाँ पे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट क्या बोलते हैं बच्चा मजा आया कि नहीं आया सो so, यहाँ पे एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट सो कौन से कौन से एरिया को स्कोप ये हो गया अब स्कोप के अंदर हम लोग बात करते हैं कि सर वी हैव टू तो कवर व्हाट ऑल द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स तो कौन से कौन से एस्पेक्ट्स को हम लोग ने कवर करना है चलो तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले देखना है फर्स्ट एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल पहली बात क्या देखने है अपने को अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल अब आप पूछोगे सर ये अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल में क्यों देखू सिंपल सी बात है क्या बोलता है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल वो सारे ट्रांजेक्शन को बराबर से रिकॉर्ड करता है क्या नहीं करता है वो तो देखना ही देखना है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स अपने को देखना है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देख बेटा एकदम आंखें फाड़ फाड़ के वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल अपने को क्या करना है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल अप्रोप्रिएट है या नहीं है वो अपने को देखना है कि या नहीं है कि वो बिजनेस के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए तो वो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं है आई बात समझ में आपको पहला तो एस्पेक्ट अपना पहला एरिया जब मैं ऑडिट कर ने जाएगा तो उस समय में मैं क्या देखूंगा मैं देखूंगा कि मेरे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सुटेबल अप्रोप्रिएट है या नहीं है वेरी गुड सर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि उसी अकाउंटिंग सिस्टम उसी इंटरनल कंट्रोल्स का अब मैं करूंगा रिव्यू मतलब एक एक बार बार तो देख लिया बट एक बार किसके लिए लिए देखा कि वो बिजनेस के लिए है या नहीं है सुटेबल है या नहीं है अब मैं क्या कर रहा हूं रिव्यू कर रहा हूं अब रिव्यू किस चीज के लिए करूंगा अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ध्यान से देखना रिव्यू इसके लिए करूंगा कि वो जो है वो एडिक्वेट है या नहीं वर्ड पे फोकस करना क्या कहता है वो वो एडिक्वेट है क्या नहीं है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई आई द रिव्यू नाउ रिव्यू आई एंड इंटरनल कंट्रोल इज एडिक्वेट अब मेरा बच्चा पूछेगा सर एडिक्वेट मतलब क्या एडिक्वेट मतलब क्या है कि सर वो सफिशियंट है या नहीं है अब सर ये दोनों बातें क्यों देखना है भाई ये दोनों बातें क्यों देखना है मुझे तू समझना अरे तू समझना भाई वो कोई चीज जो है वो सूटेबल है बट अगर वो सफिशियंट नहीं है जितनी चाहिए मतलब इंटरनल कंट्रोल है मान लो मेरे इंटरनल कंट्रोल है कि मेरे क्लास में रिसीट चेक होगी रिसीट चेक होगी तो वो सुटेबल इंटरनल कंट्रोल है बट वो सिर्फ एक ही फर्स्ट डे पे ही चेक होगी बाद में नहीं हुई तो वो सफिशियंट है क्या नहीं तो उसके वजह से एरर्स एंड आ हो सकते हैं क्या हाँ तो इसीलिए मेरा जो ऑडिटर का मेरा धर्म क्या है यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को देखो और फिर उसके बाद उसे रिव्यू भी करो ये देखने के लिए कि वो सफिशिएंट है या नहीं है ओके okay, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यू फिर उसके बाद बात करेंगे अबाउट व्हाट चेकिंग चेकिंग में मेरा बच्चा हम लोग कहते हैं कि चेकिंग में हम लोग को देखना है अबाउट वॉट इज दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेकिंग में क्या देखना है मेरा बच्चा अर्थमेटिकल एक टैली होता है क्या नहीं ये अपने को देखना है फिर उसके बाद चेकिंग के बाद आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वेरीफिकेशन और वेरिफिकेशन में हम लोग देखते हैं अबाउट वॉट द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या देखते हैं हम लोग मेरा बच्चा वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब क्या सौ रुपए का बिल है तो सौ रुपए ही रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं हुआ दस हजार रुपए का बिल है तो दस हजार रुपए ही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ वो उसको बोलेंगे अपन क्या मेरा बच्चा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसमें कोई डाउट नो डाउट उसको उसके बाद मेरा बात समझ कि अरेथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के बाद अब दूसरा पॉइंट सर आपने बोल दिया वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन ओ माय गॉड सर व्हाट इज दिस वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन अब वैलिडिटी मतलब वो पैसा न पैसा मैच हो रहा है बट वो खर्चा करने के लिए आपके पास वो अधिकार है क्या पावर है क्या राइट है क्या सो दैट इज वॉट वी हैव टू चेक ओके okay, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सो वी हैव टू चेक व्हाट एसेट्स देखना है अपने को वी हैव टू चेक लाइबिलिटीज ये सब बातें तो भैया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो अपने को ये बातें तो देखना ही है एसेट्स देखना है लाइबिलिटीज देखना है अपने को इनकम देखना है अपने को अपने को एक्सपेंस देखना है क्योंकि यही तो अपना इसके अंदर ही तो मेरा बच्चा क्या कवर होता है भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर होता है ना मेरा इसी के अंदर सो so, सिंपल सी बात है पहले अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देखेगा फिर उसके बाद मैं बात करूंगा उसको रिव्यू करूंगा चेकिंग करूंगा वेरिफिकेशन करूंगा ये सब तो मेरे को करना ही है बट ये सब बातें किसके ऊपर करना है तो वो बोलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज पे करना है इनकम और एक्सपेंडिचर पे भी करना

Existence. एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन हम लोग क्या क्या देखेंगे टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन ये सारी बातें हम लोग को एसेट में देखना है जबरदस्ती कॉस्ट वगैरह ऐसे मन में आया वो चीजें फेंको मत था ओके okay. लाइबिलिटीज में अपने को क्या देखना है कि वो लाइबिलिटीज वो करेक्टली वैल्यूड है या नहीं है और कुछ भी नहीं इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या देखना है अपने को इनकम और एक्सपेंडिचर में अपने को क्या देखना है कि वो जो है करेक्ट अमाउंट क्या देखना है अपने को इनकम एक्सपेंडिचर में करेक्ट अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है और वो जो करेक्ट अमाउंट है, वो में हुआ है या नहीं हुआ ये अपने को देखना है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस आगे हम लोग क्या देखते हैं एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर होने के बाद हम लोग को उसको कंपेयर करना है कंपेरिजन कंपेरिजन विथ देखने पड़ेंगे किस बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन आया है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है वो अंडरलाइंग पीरियड भी अपने को देखना है ओके okay, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट कि अगर अपन ये सब होने के बाद अपन क्या कहते हैं कि अगर है, तो है है। है है, है, सोसाइटी का ऑडिटर है इंश्योरेंस का ऑडिटर है तो अलग अलग जो ऑडिटर्स है तो उनको अपने को देखना है यस एक बच्चा एकदम 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 होशार है बेटा वेरी गुड अपने को डिस्टिंक्शन भी करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में भी अपने डिस्टिंक्शन करना है स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी

ये पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच वी हैव टू कवर इन आर ऑडिट सो तो समझा क्या बात को अपने को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट इस कि स्कोप क्या है स्कोप में बोलता है कि सारे एरियाज देखने उन एरियाज में फिर क्या क्या देखना है तो ये उसके सब पॉइंट्स हैं, ये सारे एरियाज अपने को देखने हैं करेक्ट एकदम ओके सर यहां से ये अपना जो पॉइंट है आप देखोगे कि ये audit, ये आपका खत्म हो गया मेरा बच्चा, नहीं पढ़ा रहा हूं। भाई मतलब जान याद रहेगा आपको चलो बोल देता हूं आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तुम तो, मतलब इतना इता रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। अरे बस 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 बता रहा हूं भाई सो टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन से कौन से एक तो है और एक कंपलसरी नहीं

ओके okay. उसके बाद अपन बात करते हैं यार ये तो आपका बचपन में मतलब बचपन से ही मतलब सर ऑडिट क्यों करते हैं ये आपका अभी फेवरेट पार्ट आ गया ये कौन सा पार्ट है आपका सो so, ये आपका पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम कटाकट ध्यान से मन लगा के सुनिएगा समझिएगा और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या सर ऑडिट करने के कुछ फायदे भी है क्या ध्यान में रखना एग्जाम में ये आपको केस स्टडी बेस्ड आएगा केस स्टडी बेस्ड ऐसे आएगा इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम बेस्ड ऑन केस स्टडीज के इफ यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड सो व्हाट बेनिफिट दे विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम कंडक्टिंग द ऑडिट और द क्वेश्चन will be two of the partners have an argument whether to conduct the audit or not uh, keeping in mind the uh, provisions of the audit kaise aap usko justify karoge ye aapko aisa kuch case study ke basis pe aapko question aayega barabar ke liye so apan yahan pe baat karte hain what are the advantages of the audit of financial statements first point kya kehte hai it safeguards the financial interest ekdam sahi bola it safeguards the financial interest of the persons who are not associated with the management of the entity jo log day to day

स्ट्रॉन्ग दे विल कैच होल्ड ऑफ मी मुझे पकड़ लेंगे वो तो उस घड़ी उस समय मैं चाह के भी मेरी इच्छा भी हो मुझे अपॉर्चुनिटी भी हो कुछ भी हो जाए मैं फिर भी क्या चोरी करूंगा क्या नहीं करूंगा बिकॉज इट एक्ट एज अ मॉरल चेक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बराबर वो आपको रोकेगा कि भाई ऐसा तुम कुछ भी मत करो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन अभी बात करेंगे इट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ वॉट लाइबिलिटी फॉर सेटलमेंट किसके लिए काम में आता है लाइबिलिटी फॉर टैक्सेज नेगोशिएटिंग लोन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मेरा जो बच्चा पढ़ा हुआ है

गवर्नमेंट को दे देते हैं तो मोस्टली अपना लाइबिलिटी सेटल होने में आसान हो जाता है नेगोशिएटिंग लोन्स हम लोग बैंक के साथ लोन्स के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं कि भैया हमारा अब जो प्रॉफिट है ये ऑडिटेड प्रॉफिट है ये जेन्युइन प्रॉफिट है सो so इसमें कहीं पे भी हमने चोरी चकारी करी हुई नहीं है देर इज नो एम्बिजलमेंट देर इज नो डिफेल्केशन देर इज एवरीथिंग वॉट इज गिवन इज ट्रू एंड फेयर सो वी कैन नेगोशिएट की गिव अस अयर अमाउंट ऑफ लोन और गिव अस द लोन एट अ रेड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिटर्माइनिंग वॉट परचेज कंसिडरेशन एज वी है कैसे निकालते हैं एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी ऑडिटर वेरीफाइज एसेट्स एस वेल एज व्हाट लाइबिलिटीज तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इट विल हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस नेगोशिएटिंग लोन्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट ट्रेड डिस्प्यूट्स एज वेल फॉर व्हाट ट्रेड डिस्प्यूट्स किसके लिए होगा बेटा फॉर हायर वेजेस फॉर बोनस एज वेल एज व्हाट द डैमेज सफर्ड बाई द प्रॉपर्टी मतलब इंश्योरेंस क्लेम्स से रिलेटेड सो हम लोग ऑडिट करते हैं तो हायर वेजेस बोनस के लिए भी हम लोग दे सकते हैं जैसे हम लोग क्या है एम्प्लॉयज जो है वो तो बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो एम्प्लॉय क्या बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो मैनेजमेंट बोलेगा तुम्हारी मांगे नहीं पूरी कर सकते क्योंकि अभी तुम्हारे वेजेस नहीं बढ़ा सकते तुम्हें बोनस नहीं दे सकते है. आप समझने की कोशिश करो अभी पा, हमारे पास कॉस्ट बढ़ाने का कोई भी स्कोप नहीं है तो बोले कि भाई तुम तो झूठी बोल रहे हो हर बार तुम्हारा यही चालू है ऐसा कुछ 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 तो नहीं हमको तुम पे भरोसा नहीं है तो मैनेजमेंट क्या बोलता है चल चल यार मेरे पे पे भरोसा नहीं नहीं ऑडिट ऑडिट करा ले कॉस्ट 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 हो जाएगा वहां उस उस घड़ी समय ऑडिटर बोलेगा सही में इतनी इतनी है और वो ट्रेड डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज वो स्टॉक वेरीफाई करेगा स्टॉक ऑडिट करेगा और जितना लॉस है उसको असेस करते हुए आपका क्या कर देगा इंश्योरेंस क्लेम भी वो सैंक्शन कर देगा या तो नहीं करेगा सो ऑडिट का ये फायदा है नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ व्हाट वापस से थर्ड पॉइंट अपन ने बोला था इट हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ़ व्हाट अकाउंट्स द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर तुम समझो बात को एडमिशन करते समय गुडविल का कंपटीशन होता है डेथ के समय पे लीगल हायर्स को उसको उसका पैसा देना पड़ता है सो so वो लीगल हायर्स को कैसे पता चलेगा और ये जो नया पार्टनर है उसको पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इनटू द बिजनेस सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी डू इज वी कंडक्ट दी ऑडिट एंड मेक श्योर दैट द अकाउंट्स आर सेटल्ड इन एट द टाइम ऑफ वॉट एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर ओके

ट्रेड ओके okay. फिर उसके बाद हम लोग अब बेसिक क्या है एकदम बेसिक पॉइंट है एडवांटेज uh, की वेस्टेज एंड लॉसेस को डिडेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली रखे गए हैं क्या नहीं क्योंकि सेक्शन 128 अपन लॉ में पढ़ते हैं 128 आपको मदद कर, बोलता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड बाय लॉ शुड बी मेंटेन सो so, अपना मैनेजमेंट uh, का ये फायदा भी हो जाएगा एंड इसमें कहीं कहीं अगर कुछ वीकनेसेस वगैरह है डेफिशिएंसीज है ऑपरेशंस में डे टू डे वर्किंग में तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा उस घड़ी उस समय यहाँ पे वो वीकनेसेस को भी हम लोग पता कर सकते हैं ओके okay, सो so, यहां पे अपना खत्म हो जाता है नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा बच्चा बॉडी के अंदर गई क्या ये बात यस 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 ओके सो फाटाफट एक बार उसको बोल दो मेरे साथ साथ क्या क्या है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट सेव गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सनस आर नॉट एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ द एंटीट इट एक्ट मॉरल चेक थर्ड पॉइंट सेटलमेंट फोर्थ पॉइंट सेटलमेंट फिफ्थ पॉइंट सेटलमेंट थर्ड से तीन पॉइंट ध्यान में रखना सेटलमेंट कहे इट हैज इन सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर टैक्सेज निगोशिएटिंग लोन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ परचेस कंसिडेशन इट हैज इन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हाई वेजेस बोनस एंड इंश्योरेंस क्लेम्स इट हैज इन सेटलमेंट ऑफ अउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ अ पार्टनर करेक्ट है एकदम उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड इशू वेरियस लाइसेंसिस रिपोर्ट वीकनेसेस डिटेट डिटेक्ट वेसेज लॉसेस एंड टू चेक अकाउंट हम लोग बात करते हैं इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है, है करने का समय आ चुका है मेरे दोस्तों सो व्हाट आर द इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट सो हम बात कर रहे हैं वॉट आर द इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की बताइए वॉट आर द इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट सो फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फटाफट पढ़ाते पढ़ाते रिवाइज कराते कराते समझा भी रहा हूं बॉडी के अंदर उसको डालना भी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द वे इन विच आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिपोर्टेड दे आर प्रेजेंटेड जिस तरीके से ये काम होता है इट इज बेस्ड ऑन वट इट इज बेस्ड ऑन वॉट द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इट इज बेस्ड ऑन वॉट द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट और ये जो जजमेंट होता है ये कैसे होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं मतलब इट वेरीज फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखे तो आपने देखा होगा बैड डेट्स है फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हम लोग को कंटिजेंसी प्रोविजंस बनाने हैं तो भाई अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड दीज जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट आर वॉट सब्जेक्टिव डिसीजन इनका असेसमेंट करना इनको वेरीफाई करना बिकम्स वॉट वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज वाई द इट बिकम्स वॉट द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट सो वॉट इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पॉइंट नंबर वन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग

है, पकड़ लो हमको हमको पनिश कर दो करके। नहीं तो इंफॉर्मेशन क्या करेगा तो ऑडिटर इज नॉट ट्रेन नॉट एन डॉक्यूमेंट्स अपन क्या आर्टिकल चिप में इसकी ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्यून या नहीं वो फोर्स है या नहीं इसका ट्रेनिंग करो वो थोड़ी अपना काम का है करेक्ट है तो उसके बाद, बाद साथ ही अपन कभी भी इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या क्लाइंट को फटके मार मार के या उसको बोल के कि तुम क्या कर रहे हो ऐसा कैसे कर रहे हो तो वैसा थोड़ी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो हंड्रेड परसेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बात आप तक यहां पे यस yes. तो ये अपना बेटा सेकेंड पॉइंट हो गया नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स देन वी टॉक अबाउट इज थर्ड पॉइंट वी टॉक अबाउट इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड दी कॉस्ट बहुत ही आसान पॉइंट है मेरा बच्चा ध्यान में रखना टाइमलीनेस ऑफ Financial reporting, मतलब जब हम लोग timeliness की बात ड्यू तो डेट तो है ही ना जब हम लोग को काम खत्म करना है तो वी आर बाउंड विथ वॉट सर्टन ड्यू डेट्स जब मैं वो ड्यू डेट्स की बात करता हूं तो मुझे मेरा काम जल्द से जल्द खत्म करना है जल्द से जल्द खत्म करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा बेनिफिट ज्यादा होगा बराबर के नहीं और मुझे उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेनिफिट ज्यादा तो चाहिए चाहिए बट मुझे कॉस्ट कम चाहिए बट ये पॉसिबल है क्या नहीं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए तो आपको कॉस्ट ज्यादा इनकर करना पड़ेगा बट आपको कॉस्ट कम इनकर करना है तो वो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा नहीं सो दैट इज हाउ इट बिकम्स द इनरिट लिमिटेशन हाउ एवर स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट करेक्ट एकदम एंड

इतने सारे अलग अलग लॉज रेगुलेशन है हम लोग को कंप्लाई करने के लिए तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे ये ऑडिटर थोड़ी चेक कर पाएगा और आने वाले समय में फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन बाबा एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा टी कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ऑडिटर इसका दावा कैसे दे सकता ना कि फ्यूचर में क्या होगा करके सो दिस इज वॉट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन तो कौन से कौन से चार पॉइंट थे एकदम मस्त बता मेरा बच्चा सो so, कौन से कौन से चार पॉइंट थे बोलो सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं नेचर

anyone any query any difficulty any any query any difficulty no no okay चलिए सो so यहाँ से अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होने के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भाई ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है ओके okay, अब तू समझ बात को ये क्वेश्चन अपना खत्म ना ये क्वेश्चन अपना खत्म ना तो तू समझ अपना ऑलमोस्ट सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है करेक्ट है ना इस चैप्टर का वो खत्म और ये चैप्टर इज खत्म ये आखिरी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना जो मजाक नहीं कर रहा हूं ज्यादा नहीं छठ पेजेस छह आठ पेजेस का तो क्वेश्चन है ये हाँ छह पेजेस का तो क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो एकदम आराम से मन लगा के आपने ध्यान से सुनना है रेडी हो आप लोग सब पक्का गहरी सांस लो छोड़ो वेरी गुड वन मोर टाइम छोड़ो देखो यार ये मैं जो इतने एफर्ट ले रहा ना रिवीजन एकदम एकदम आपको फुल तोड़ फोड़ करके पढ़ा रहा हूँ एकदम जोरदार भारी तो उसका फायदा आपको होना चाहिए यू शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस ये सीरीज इसके लिए कर रहा हूं मैं बराबर सो यू शुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस ओके जी सो so, अब हम लोग इस एट्थ पॉइंट पे आ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूं आपको देखो इट स्टार्ट इन माई बुक एट पेज नंबर सेवन एंड पीरियड चलते जाता है 1. 8, 1. 9, फिर एंड पे पे रुकते हैं हम लोग कहा था मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन है बॉस ये आपको पढ़ना है ये कहीं पे भी आपने अगर छोड़ा होगा कभी तो भैया रिस्क है ये तो एकदम आराम से पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन है ये। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो शुरू करें क्या मेरे बच्चों यस yes, एकदम आराम से मन लगा के फोकस वॉट आर दी एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पहले तो हम लोग फोकस करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को चाहिए क्या क्वालिटी हम लोग को चाहिए क्या क्वालिटी तू बात समझा एकदम अच्छे से बेटा हम लोग को चाहिए क्वालिटी सर क्वालिटी क्यों चाहिए अरे बेटा तू समझना यहाँ पे हमने क्या बोला था अपन जो ओपिनियन दे रहे हैं वो ओपिनियन ऐसा होना चाहिए कि जिससे कोई भी व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ना हो सो इट शुड नॉट मिसलीड एनी वो फिर किसी को मिसलीड ना करे तो आपके काम काज में आपको क्या दिखाना चाहिए क्वालिटी बराबर के नहीं क्वालिटी मतलब एकदम ऐसा काम करने का इतना सुपर काम करने का कि मजा आना चाहिए एकदम सुपर क्वालिटी होना चाहिए सो क्वालिटी की जब बात करते हैं तो मेरा बच्चा को एक बात बता क्वालिटी ऐसा होगा क्या कि जैसे आज चैप्टर वन आप एकदम मन लगा के मेरी बातों को सुन रहे हो एकदम आराम से मन लगा के अच्छे से आप पढ़ रहे हो बराबर के नहीं फिर उसके बाद कल जाने दे यार नहीं अच्छे नहीं, से कैसे यार छोड़ना बाद में देख लूंगा परसों बाद में देख लूंगा फिर एक टाइम आएगा टेंथ लेक्चर अपना फिफ्टींथ लेक्चर आप बोलोगे यार यार क्या यार ऐसा वैसा ऐसा नहीं चलेगा ना दो दो समझ बात को क्वालिटी चाहिए क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियसली उसके ऊपर अपने को लगाना चाहिए कुछ कंट्रोल सही बात है अपने को चाहिए क्या क्वालिटी क्वालिटी के लिए चाहिए क्या कुछ कंट्रोल और अगर आपको ये क्वालिटी देना है अगर आपको ये क्वालिटी चाहिए तो आपने इस क्वालिटी के ऊपर लगाना है कंट्रोल तो कंट्रोल लगाने के लिए आप क्या क्या चीजें लगाओगे आप क्या क्या एलिमेंट्स आप क्या क्या चीजें लगाओगे कि जिसके वजह से आपका ये कंट्रोल अचीव हो जाएगा So, हम बात कर रहे हैं व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा कि आपको ये क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का है आपने कहा हाँ सर ये क्वालिटी कंट्रोल चाहिए आपको यस सर क्वालिटी कंट्रोल चाहिए तो क्वालिटी के ऊपर अगर आपको कंट्रोल लगाना है क्या बोल रहा हूं मैं क्वालिटी के ऊपर अगर आपको कंट्रोल लगाना है तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीजों का समावेश करना चाहिए तो आपने कौन से कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड करने चाहिए क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक ठोका नहीं है ना लाइक ठोक दो एक बार मजा आएगा मेरे को यस, यस समझ में आ रहा है दोस्तों को सो so, पे मेरा बच्चा एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अब वो एलिमेंट्स क्या क्या है एकदम आराम से ये छह पन्ने जो है एकदम इतना सुपर तरीके से समझाएगा ना तुम बोलोगे वाओ सर मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपने इतने आसानी से इतना सिंपल कर दिया हम लोगों के लिए सो वॉट आर दी एलिमेंट्स सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि वी टॉक अबाउट इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे लीडरशिप सिबिलिटीज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको मैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझाता हूं पहले ध्यान से सुनना जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे ये यह आपको यहाँ पे सात छह पॉइंट आपको दिख रहे छह पॉइंट दिख रहे ना आपको ये छह पॉइंट जैसे लीडरशिप यहां पे ये यह लीडरशिप यहां पे मतलब पहले आपको ये छह पॉइंट पहले बताया है समराइज किया गया कि ओके ये छह पॉइंट है बॉस समझे क्या ये छे पॉइंट आपको बताया ये छह पॉइंट है फिर उन छे पॉइंट में क्या होता है वॉट इज देयर इन दो सिक्स पॉइंट बराबर के नहीं

प्रवचन एकदम फुल सो so, अब मेरा बच्चा जब मैं बात करता हूं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सुनेगा ना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब मैं बात करता हूं यहां पे, है। so लीडर जो है लीडर जो है यहां ये लीडर यह होता है कौन तो ये लीडर है मेरा बच्चा एंगेजमेंट पार्टनर कौन है ये एंगेजमेंट पार्टनर जो पूरा ऑडिट का कामकाज का संभालता है बराबर के नहीं तो ये वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है टीम में का जो पूरा पूरा ऑडिट इसके निगरानी में होता है आई बात समझ में तो यहां पे अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो यहां पे क्या कहते हैं हम लोग एस ए टू ट्वेंटी के अनुसार इस एंगेजमेंट पार्टनर ने ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए बराबर के नहीं कि क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट असाइनमेंट बराबर के नहीं वो होगा So, यहां पे क्वालिटी से रिलेटेड हम लोग क्या कहते हैं क्वालिटी से रिलेटेड जो जिम्मेदारी होगी ये कौन उठाएगा ये एंगेजमेंट पार्टनर होगा बराबर की नहीं तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं दिस विल बी दिस एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस विल बी वॉट दिस एंगेजमेंट पार्टनर्स नंबर वन दिस विल बी दिस एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई क्वालिटी होना बहुत जरूरी है आई बात समझ में सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि उसके जो एक्शन है उसका जो काम काज है बराबर के नहीं उसके जो है उसका जो काम काज है इट शुड जस्टिफाई दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी फॉर देम क्या कहते हैं हम लोग उसके जो एक्शन है ध्यान से सुनते जाना समझते जाना रहे। उसके जो एक्शन है उसके एक्शन कुछ इस कदर होने चाहिए कि वो जस्टिफाई करे कि क्वालिटी हमारे लिए भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है सो so, यहां पे क्या कहते हैं द एक्शंस शुड एम्फोसाइज दैट हमारे लिए क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बराबर के नहीं मतलब वो एक्शन इतने होने चाहिए कि हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्वालिटी एसेंशियल भी है उसके काम में वो दिखते आना चाहिए बराबर के नहीं द एक्शन शुड एम्फोसाइज ऑन क्वालिटी इट शुड एम्फोसाइज दैट क्वालिटी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं क्वालिटी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट क्वालिटी इज ऑल्सो वॉट मस्ट उसके बगैर काम नहीं हो सकता अपना सो so, समझे क्या तुम मेरी बात को तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ये ज्ञान अपने को दिया गया है इंपॉर्टेंस एंड यहां पे आपको दिखेगा क्वालिटी इज एसेंशियल क्लियर है एकदम सो so, हमने क्या बोला ये लीडर जो एंगेजमेंट चार्ट देखो यहां पे एंगेजमेंट एलिमेंट क्या है फर्स्ट लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी होना बराबर उसके एक्शन में दिखकर आना चाहिए कि क्वालिटी के बगैर काम नहीं हो सकता और उसमें दिख के आना चाहिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी हमारे लिए एसेंशियल भी है क्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी हमारे लिए मस्ट भी है सही जा रहे हैं अपन एकदम यस yes, सर मजा आ गया मतलब इतना बड़ा जो पार्ट है वो आपका क्वेश्चन का वो खत्म हो गया ना बस फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ये कैसे प्रूव करोगे हाउ विल यू जस्टिफाई कि आपके लिए क्वालिटी ये इंपॉर्टेंट है बराबर के नहीं तो जब भी आप आपका काम परफॉर्म कर रहे हो बराबर के नहीं तो जब भी आप आपका काम परफॉर्म कर रहे हो तो आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए करना है व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग योर जॉब आपने क्या करना है आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है साथ ही साथ आपको क्या करना है आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज लगाई होंगी आपने परफॉर्म जो आपने काम करना है ये आपने किसके हिसाब से करना है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है और आपने लॉ के हिसाब से करना है ये तो करेंगे ही करेंगे ही आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग पॉलिसीज़ भी तो लगाते होंगे ना आप लोग तो आपने उन पॉलिसीज़ को भी कंप्लाई करना है बात पहुंची आप तक तो तब जाके दिख के आएगा कि आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाती है और वो एसेंशियल है हर काम में सो so ये मेरा बच्चा अपना फर्स्ट पार्ट मतलब जो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटीज का जो फर्स्ट पार्ट है ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है सही बात है ना एकदम अभी लीडर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कहता है मेरा बच्चा वो कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स वो क्या कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड दिस एथिकल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब लीडर जो है उसने तो देख लिया कि एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम ये सब लोग जो है ना ये सही से काम करेंगे बट अब जो पार्ट है वो एथिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या है ध्यान से सुनना एथिक्स प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करना है एथिकल रिक्वायरमेंट है तुम समझो रे बात को अपन ने स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट क्या दिया गया था कि द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट फर्स्ट पेज पे बात हुई थी इसके लिए पूरा ऑडिट ऐसे लिंक करके पढ़ना है हमने फर्स्ट पेज में ही क्या बोला था एथिकल रिक्वायरमेंट में कि भाई हमने ये कहा था एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब फर्स्ट पेज में कि इट शुड नॉट मिसलीड एनी बडी इट शुड नॉट मिसलीड एनी बडी सो एथिकल रिक्वायरमेंट में अपन क्या कहते हैं कि अगर तुम पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करोगे तो आपका काम सही हो जाएगा आपके काम में क्वालिटी मिलेगा और जब आपके काम में क्वालिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट मिसलीड एनी बडी सो दैट इज वॉट इज द सेकेंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट अब एथिकल रिक्वायरमेंट में कौन से कौन से पॉइंट आते हैं अपने तो वो कहता है अपन ने होना चाहिए क्या वी शुड बी हैविंग पहले लिख लेता हूं इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ये कहां से लिख रहा हूं मैं ये फिर यहां पे आपको दिखेगा नीचे सब पॉइंट इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी फिर मैं यहां पे पहले लिखता हूं सिंपल एकदम कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशिटी फिर लिखता हूं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर बराबर फिर उसके बाद अपने को कौन सा पॉइंट दिखता है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर ध्यान से सुनना एकदम आराम से प्रोफेशनल बिहेवियर एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की वो है इंडिपेंडेंस बराबर सो so, ये अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जब हम लोग बात करते हैं ना किसकी बात करते हैं हम लोग इंटीग्रिटी की सो so, इंटीग्रिटी मतलब हम लोग क्या कहते हैं ऑनेस्टी ऑडिटर ने क्या करना है एकदम ईमानदार होना है अगर उसको कहीं कुछ फ्रॉड्स दिखते हैं तो उसने बता देने हैं अगर उसको जरूरत पड़ती है कि वो कहीं रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को वो रिपोर्ट करेगा भाई वहां पर क्या होना चाहिए ऑनेस्टी होना चाहिए सेकेंड अपन ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं मतलब वहां पे उसने बायस नहीं होना चाहिए मतलब उसने कैसा होना चाहिए ही शुड बी व्हाट इम्पार्शल टुवर्ड्स हिज वर्क एक क्लाइंट का काम अच्छे से करूंगा दूसरे का नहीं करूंगा वैसा नहीं होगा जब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग बात करते हैं अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट सीक्रेसी हम लोग को ऑडिट करते दौरान जब हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है वी शुड नॉट डिस्कलोज दैट इंफॉर्मेशन विद द अदर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब अपने को वो नेसेसरी नॉलेज अपने पास होना बहुत जरूरी है जो एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं उसका फोर्टे मतलब उसका अपने को भयंकर नॉलेज होना बहुत जरूरी है हम लोग ने प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब इस तरीके से काम करना है कि वी शुड नॉट ब्रिंग एनी टू द प्रोफेशन ऑफ आर अकाउंटेंसी कि अपन ने कुछ ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से uh, अपने मदर बॉडी इंस्टीट्यूट का या अपने प्रोफेशन का कहीं नाम खराब हो करेक्ट है ना ये सारी बातें हैं अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट है और वो काम कैसा होगा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर प्रोफेशनल बिहेवियर अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंडिपेंडेंस इसके ऊपर आपको एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से आपको समझना बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर ओवरियर एग्जाम में इंडिपेंडेंस के ऊपर तुम समझो बात को एग्जाम में इंडिपेंडेंस के ऊपर आपको सीधा सीधा एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन भी आपका बन सकता है तो आपको ध्यान में रखना है जब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की सो so इंडिपेंडेंस में यहां पे दो बातें आती है इंडिपेंडेंस हम लोग क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड करेक्ट है ना एंड इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वॉट इन अपियरेंस इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो वॉट इन अपियरेंस आई बात समझ में आपको सो इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड इज दैट स्टेट ऑफ माइंड विच परमिट एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बींग अफेक्टेड बाई इन्फ्लुएंसेस बराबर के नहीं अब तुम नहीं समझे सरिये बहुत इंग्लिश हो गई एक साथ में अब इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या है कि आप आपका ओपिनियन दे दोगे वो जो ओपिनियन होगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस क्या होता है वो आपका विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस मतलब आप किसी के कहने पे कोई काम नहीं करोगे आपको जो सही लगता है आप वो बताओगे क्लाइंट आपके ऊपर प्रेशर डालेगा उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो यू आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट आई बात समझ में आपको सो so, इंडिपेंडेंस कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंस इज वॉट स्टेट ऑफ माइंड बराबर के लिए and when we talk about independence as appearance when we talk about independence as appearance so third party third party usne kya third party should reasonably third party should reasonably conclude third party should reasonably conclude that ऑडिटर्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑडिटर्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज अब सर इसका मतलब क्या है अब ध्यान से सुनना इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड कि इट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप आपका ओपिनियन देते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस अपियरेंस की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब तीसरा व्यक्ति आपको देख के ही कंक्लूड करेगा कि भाई ये जो आदमी है ना ये किसी की कि सुनता नहीं है ये मतलब कभी ना गलत काम करेगा नहीं है यह हिस्सा भारी आदमी है ये थर्ड पार्टी वुड रीजनली मतलब होता है ना कभी कभी जैसे सिंगम को देख के लोग क्या बोलते थे अरे ये रिश्वत नहीं लेगा ऐसा पुलिस ऑफिसर है सिंगम बाजीराव सिंगम वैसा ऑडिटर भी ऐसे ऑडिटर को देख के बराबर बाई हिज अपियरेंस हम लोग को ऐसा लगना चाहिए कि ये आदमी जो है ना गलत नहीं करेगा वो ऐसा वाइब आना चाहिए सो इंडिपेंडेंस इज स्टेट ऑफ माइंड एंड इट इज वॉट ऑफ अपियरेंस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, यहां पे आपको इंडिपेंडेंस ये स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है और अपियरेंस का मतलब क्या है ये आपको बताता है और फिर इसके बेनिफिट्स आपको बता दिए गए हैं कि आप आपका ओपिनियन दे दोगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंसेस एंड इससे आपका सही ओपिनियन देने की जो एबिलिटी है जो ताकत है वो क्या हो जाएगा एनहांस हो जाएगा तो ऑडिटर को सही ओपिनियन देना ये पॉसिबल हो जाएगा और वो क... मतलब क्या बोलते हैं कि वो सही तरीके से देना वो कैपेसिटी भी उसकी एनहांस हो जाएगी तो उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया गया है यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी डिसीजन रूल्स जो है इट के नॉट क्रिएट इंडिपेंडेंस इट के नॉट एंश्योर दैट क्या कहते हैं केनॉट क्रिएट और एंश्योर रूल्स के नॉट एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि जो इंडिपेंडेंस है ये माइंड और पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर ये इंसान खुद कैसा है उसका कैरेक्टर उसकी नीतिमत्ता कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही करेगा या नहीं तुम कितने ही नियम कानून लगा लो जैसे रेड सिग्नल को जंप नहीं करना है ये रूल बना हुआ है बट आप फिर भी अगर उसको तोड़ते हो तो मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फ्रॉम माइंड बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग दो आई बात समझ में सो so, यहां पे हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट के बाद फिर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं सो so, यहां पे हम लोग और एक बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस हम लोग क्या कहते हैं यहां पे थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस ये मालूम है आपको थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस सो व्हाट आर द डिफरेंट थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस फर्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब सेल्फ इंटरेस्ट मतलब हम लोग क्या कहते हैं वॉट डू टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट कि आपको उस जगह पे क्या है यू हैव वॉट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको आर्थिक मुंह है वहां पे यू हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट सो दैट इज इज वी टॉक अबाउट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या कहते हैं हम लोग सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या है कि जो काम आपने किया है वही काम आपको वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा रहा है दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट देन वी टॉक अबाउट इज द फेमिलरिटी थ्रेट किसकी बात करते हैं हम लोग फेमिलिरिटी थ्रेट इतना हम लोग उस क्लाइंट को अभी जानने लग गए हैं समझने लग गए हैं हैं इतने सालों से हम लोग तो हम लोग लोग उसका ऑडिट कर रहे तो अब की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है हम लोग अच्छे से जानते हैं उसको तो जैसे वो बोलेगा वैसे में करेगा ऐसा वो इंडिपेंडेंस को आपका अफेक्ट करेगा वो है फेमिलिरिटी थ्रेट उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट वॉट एडवोकेसी थ्रेट हम लोग किसकी बात करते हैं एडवोकेसी एडवोकेसी थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट मतलब क्या है ऑडिटर क्लाइंट की इतनी तरफदारी कर रहा है ध्यान से सुनना ऑडिटर क्लाइंट की इतनी तरफदारी कर रहा है कि मतलब लोगों को समझ ना आ जाएगा कि भाई ये मिलावा है ये सही नहीं बोल रहा है एडवोकेसी थ्रेट प्रमोटिंग द क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर द थर्ड पार्टी फील्स दैट द ऑडिटरस इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन व्हाट कॉम्प्रोमाइज्ड आई बात समझ में एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं वो कौन सा थ्रेट है बच्चों बोलो आपको याद है ना सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी फेम्योरिटी एंड लास्ट में जो है वो है इंटीमिडेशन थ्रेट इंटीमिडेशन थ्रेट सो इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या है वॉट इज इंटिमिडेशन थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट वो थ्रेट है भाई इंटिमिडेशन थ्रेट वो थ्रेट है कि ऑडिटर इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग वॉट रिप्लेस्ड मतलब होता है ना कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा तुम्हारे जगह पे कोई और आ जाएगा so ये क्या है? Threats to independence है। कौन so कौन से कौन से है मेरा बच्चा एक बार बोलो। threat, फिर उसके बाद जब ये थ्रेट्स हम लोग देखते हैं अलग अलग so थ्रेट्स कैसे चलेगा इन थ्रेट्स के साथ साथ हम लोग को क्या लगाना है कुछ सेफ भी तो लगाना है बराबर के नहीं तो सेफ क्या लगाना है मैं आपको मेरा बच्चा एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं सेफ गार्ड ये लगाने हैं कि ऑडिटर शुड ऑलवेज मेंटेन ये उसको मेंटेन करना है तो इसने क्या करना है हमेशा चेक करना है कि वेदर ये मेंटेन करना है इसके लिए उसने क्या चेक करना है यू शुड ऑलवेज असेस की थ्रेड एकदम सिंपल भाषा में थ्रेट्स है, थ्रेट है? या नहीं है बराबर के नहीं अगर नहीं है तो तुम काम आगे कर ही सकते हो बट अगर थ्रेट्स है बराबर के नहीं तो आपने क्या करना है थ्रेट्स अगर है तो आपने कुछ सेफ के लिए आपने कुछ मेजर्स लेने हैं आपने कुछ एक्शन लेना है उस मेजर्स के बेसिस पे आप उसे उन थ्रेट्स को एलिमिनेट उन थ्रेट्स को वो मेजर्स लेने के बाद आप उन थ्रेड्स को एक तो क्या कर सकते हो एलिमिनेट बराबर के नहीं आप एक तो एलिमिनेट कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो अगर आप उन थ्रेड्स को एलिमिनेट कर सकते हो उस समय पे एक्सेप्ट करो बराबर के नहीं उस समय पे आप एक्सेप्ट करो अगर नहीं एलिमिनेट कर सकते हो तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए यहां पे भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए खत्म हो गया कॉन्सेप्ट

चौकन्ना मतलब क्या कि भाई ही शुड ऑलवेज बी अलर्ट टू that may इंडिकेट पॉसिबल misstatement कहा क्या गलत हो सकता है बराबर क्या नहीं उसके लिए तुमने हमेशा क्या अलर्ट रहना है मतलब हमेशा एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना है और हमेशा सावध रहना है आपने सावधान रहना है आपने आई बात समझ में आपको सो so, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है give examples of situations in where auditor is supposed to maintain professional skepticism. so एग्जाम्पल दिया है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर दूसरे इन्फॉर्मेशन से अगर कॉन्ट्रेडिक करती है तो भाई इट इज अटैंड इंडिकेट्स अ पॉसिबल मिस्टेटमेंट अ पोटेंशियल फ्रॉड जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने स्टॉक वेरीफाई किया मैंने स्टॉक वेरीफाई किया उसमें मुझे अस्सी यूनिट दिखे बट जब मैं एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड देखता हूँ स्टोज लेजर में I see इट इज 100 सो so, कॉन्ट्रेडिक्ट होता है तो इट इज वॉट क्या कुछ सर्कमस्टेंसेज है कि वो कुछ गड़बड़ है वहां पे सो so, ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस ये एग्जाम्पल्स है आप देख लो ये एग्जाम्पल्स है बट ये एग्जाम्पल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और चार से पांच मार्क के लिए आता है तो ये पढ़ के जाना है ओके okay. बराबर के नहीं अब फिर यहां पे इतनी बातें होने के बाद मेरा बच्चा सो गया क्या सो गया क्या जगह है जगह है वेरी गुड क्यों क्या है खाना वाना हो गया होगा मस्त अभी मम्मा ने मेन्यू बनाया होगा कुछ तो भी बराबर और उसके बेसिस पे अभी मस्त बैठे चिल में अभी ध्यान से सुनना हम कहा है आपको याद दिला दो एक बार में हम बेटा बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स की उसमें अपना फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ के हो चुका है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपना सेकेंड पॉइंट हो गया है एथिकल रिक्वायरमेंट ये सारे सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स थे अपने ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंस आपको ज्यादा डिटेल में दिया गया है सही है एकदम यस अब अपन आते हैं मेरा बच्चा थर्ड पॉइंट पे थर्ड पॉइंट में अब जब आपको दिखता है कि लीडर जो है कनेक्ट कर रहा हूं सारे पॉइंट्स अब आपको दिखता है कि जो लीडर है वो रेडी है भाई क्वालिटी एक्सेप्ट करने के लिए अपन एथिकली अपना काम करेंगे पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ उसमें भी कोई डाउट नहीं है सो so फिर अब अपना थर्ड पॉइंट आता है कि अब एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप फिर अब अगर ये बातें हो रही है तो अब अपने को क्या करना है यहां पे काम एक्सेप्ट करने के पहले काम एक्सेप्ट करने के पहले रिश्ता कबूल करने के पहले हमें कुछ बातें देखनी है मतलब एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना है तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि चलो हाँ भाई हम आपका काम कर लेंगे आपको रिश्ता कबूल करने के पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है वो रिश्ता कबूल करने के पहले आपने कौन सी कौन सी बातें देखनी है कि जो क्लाइंट है आपका बराबर के नहीं क्या वो उस रिश्ते में ईमानदार रहेगा कि नहीं रिश्ता कबूल करने के समय पे आपने क्या देखना है कि क्या वो क्लाइंट इस रिश्ते में ईमानदार रहेगा कि नहीं क्या वो क्लाइंट ईमानदार रहेगा नहीं रहेगा वो तो देखना है सेकंड पॉइंट अपने को देखना है कि क्या हम वो रिश्ता निभाने के काबिल तारीफ है क्या बेटा मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं तो कहीं और मत जाइ हो सो so, हम बात कर तुम तुम्हारे बब्बू सोना को याद मत करो यहाँ पे हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे सो अगर आपको ये रिश्ता मंजूर करना है तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वन क्या बोलता है कि आपने रिश्ता मंजूर करने के पहले आपने क्या करना है ध्यान से सुनना आपने पहले चेक करना है कि जिसके साथ हम लोग रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे क्या वो तो रिश्ता निभा लेंगे सर ईमानदारी से क्या हम वो रिश्ता निभाने के काबिल तारीफ है क्या हमें हम वो कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी टाइम रिसोर्स जो चाहिए समय देना है इस रिश्ते में क्या हम वो दे पाएंगे क्या हम वो दे पाएंगे उसके साथ साथ जो अपना टीम है परिवार है क्या वो ये रिश्ता भी ईमानदारी से निभाएंगे क्या और कुछ मैटर हो गया था अभी के या पिछले रिश्ते में जिसके वजह से अभी तुम उसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो वो अपने को देखना है करेक्ट है ना जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपने डिसाइड करना है कि भैया क्लाइंट के साथ क्लाइंट के साथ क्लाइंट के साथ, साथ रिश्ता कबूल करे या ना करे वेरी गुड खत्म हो गया भाई पॉइंट खत्म खत्म कितना आसान है तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस रिश्ता कबूल करने के लिए ए मेरा बच्चा बोलना रिश्ता कबूल करने के लिए ये बातें तो ऐसी बातें तो दिमाग के अंदर कसा एकदम सुपर तरीके से जाती है एकदम ऐसा फिट बॉडी के अंदर मुझे बता कि रिश्ता कबूल करने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखेगा तू रिश्ता कबूल करने के लिए सामने वाला ईमानदार होना चाहिए हमें वो काबिलियत होनी चाहिए हमारे जो टीम मेंबर है उसने ईमानदारी से काम करना चाहिए और वो ये मैटर हो गया था कि करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसके वजह से रिश्ता एक्सेप्ट करे या नहीं करे उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा खत्म फिर अगर आपको दिखता है कि भैया एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई डाउट नहीं है इसके अंदर तो अब फिर लोगों को बुलाया जाए बराबर की नहीं ह्यूमन रिसोर्सेस काम करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए मतलब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग क्या किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेरा बच्चा अबाउट चैप्टर खत्म होने आ गया है वी टॉक अबाउट व्हाट इज दी एंगेजमेंट टीम करेक्ट है ना वी टॉक अबाउट वॉट एंगेजमेंट टीम वी टॉक अबाउट वॉट द एक्सपर्ट्स बराबर के नहीं इनको भी तो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ना तो इनको अपने को बुलाना है तो ये जो लोग होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए ये होने चाहिए कॉम्पिटेंट बराबर ये होने चाहिए कॉम्पिटेंट केपेबल एंड कमिटेड कॉम्पिटेंट केपेबल और कमिटेड ये उनमें थ्री सीज होने बहुत जरूरी है करेक्ट है ना तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए ये कॉम्पिटेंट केपेबल और कमिटेड लोगों को ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए हम लोग ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए हम लोग ने क्या करना चाहिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए तो उस पॉलिसी एंड प्रोसीजर में क्या क्या आता है ये आप एक बार रीड कर लेना कि कौन से लोगों को रिक्रूट करना है उनका परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है उनमें वो कैपेबिलिटीज है ना वो नॉलेज है ना वो उनका करियर डेवलपमेंट उनको प्रोमोशन कॉम्पेंसेशन ये सब बातें अपने को देना है उसके लिए हमारे फॉर्म में ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है आई बात समझ में यस सर फिर अब जब अगर ह्यूमन रिसोर्स आ गया है बराबर एंगेजमेंट टीम आ गई है तो फिर अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग को वो जो एंगेजमेंट है एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट उसको हम लोग को क्या करना है अब उसको हम लोग को परफॉर्म करना है अब उसको परफॉर्म कैसे करें तो भाई सिंपल सी बात है उसको परफॉर्म करना है कैसे एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स बराबर और फिर उसके बाद अपने को रिपोर्ट दे देना है तो परफॉर्म कैसा करेगा मेरे बेटा बोलना बेटा So, हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स एंड एज पर लॉ जो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि हम लोग को जो परफॉर्म करना है ये परफॉर्म एज पर स्टैंडर्ड्स एंड एज पर लॉ करना है सही है एकदम यस yes. फिर उसके बाद ये परफॉर्मेंस होने के बाद अपने को इशू करना है क्या रिपोर्ट अपने को रिपोर्ट इशू करना है एज पर द अप्रोप्रिएट सरकमस्टेंसेस तो ये आपको परफॉर्म करने के लिए आपने फिर से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ये परफॉर्मेंस करने के लिए आपने आपके फर्म में क्या लगाना है वी नीड टू हैव व्हाट सर्टन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सो परफॉर्मेंस के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होना बहुत जरूरी है क्यू क्योंकि यही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को तो अपने को क्या बोला था अपन ने ऊपर कि अपने को इसको कंप्लाई करना है तो वो पॉलिसी क्या होंगी एकदम सिंपल हम लोग को चाहिए कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा है कि एक क्लाइंट का काम अच्छे से होगा और फिर दूसरे का खराब होगा ऐसा नहीं होगा देर शुड बी वॉट कंसिस्टेंसी हर हर क्लाइंट हर साल हर समय अपना काम एकदम जोरदार होना चाहिए जोरो का होना चाहिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए तो कंसिस्टेंसी पाने के लिए हम लोग देंगे मैन्युअल मैन्युअल के अंदर डालेंगे कुछ मैटर भाई एकदम सिंपल चल रहा है हम लोग को काम चाहिए कंसिस्टेंट एकदम जोरदार क्वालिटी का उसके लिए हम लोग बनाएंगे मैन्युअल मैन्युअल बनने के बाद उसके अंदर कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा वो कंटेंट क्या डालेंगे हम लोग कि भाई किस तरीके से तुमको अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा उसका ब्रीफिंग होगा तुमने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है तुम्हारे ऊपर सुपरविजन ट्रेनिंग एंड कोचिंग होगी तुम्हारे ऊपर निगरानी होगी ना तुम सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कब कब होगा वो लिखा जाएगा तुम्हारा काम रिव्यू होगा और ये सारा चीजें आपने क्या करना है डॉक्यूमेंट करना है और ये सारे पॉलिसीज होंगे करंट मतलब उस सिचुएशन को सूट करने के हिसाब से आपने आपके पॉलिसीज बनाने हैं आई बात समझ में खत्म हो गया भाई अपना फिफ्थ पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या करना है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए आपको होना manual, manual के अंदर डालेंगे मैटर मैटर के अंदर क्या डालेंगे अपन अपन डालेंगे किस तरीके से ब्रीफिंग होगा आपका आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है फिर उसके बाद बाद आपने सुपरविजन ट्रेनिंग रिव्यू कोचिंग होगा आपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है और ये सारे जो प्लान्स है ये आपने क्या रखना है इट शुड बी वॉट करंट कोई डिफिकल्टी नो no. फिर जब आपका परफॉर्मेंस हो रहा है बराबर के नहीं फिर उसके बाद आखिरी में आता है एफ वाला पॉइंट एफ वाला पॉइंट मतलब एकदम ही सिंपल है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग अब monitoring मतलब क्या है? तुम समझो बात को मॉनिटरिंग मतलब क्या कहता यहाँ पे तुम समझो कि अपन ने पॉइंट नंबर कौन से कौन से अपन ने पढ़ा ना अपन ने क्या पढ़ा ए बी सी डी ई ये पढ़ा ना अपन ये कौन से पॉइंट है ABCD? ये सब ऊपर जो पढ़े अपन ने वो ये जो ऊपर जो पढ़े ना ये जो आउटर सर्कल है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो आपके पॉलिसीज लगे हुए है वो पॉलिसी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही कि नहीं हो रही है उसको देखना इज नथिंग बट कॉल्ड वॉट मॉनिटरिंग बात जमी आपको बराबर यस yes. तो ये बात थी मेरा बच्चा मॉनिटरिंग की कि जो भी पॉलिसीज है बराबर की नहीं वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर रेलेवेंट एडिक्वेट एंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इट इज रेलिवेंट एडिक विद इन प्रैक्टिस एक्चुअल में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है सही बात है एकदम यस yes. सो so, ये बात हो गई अपनी कौन सी ये कौन सी बात हो गई अपनी बोलो भाई बोलो ना वेरी गुड सो ये बात हो गया अपना किसके अंदर एलिमेंट ऑफ क्वालिटी रेगुलर फास्ट्रैक क्लास में, में, कवर हुआ है. में पढ़ा है मैंने इसको अब अपन वन डे रिविजन कर रहे तो टाइम बहुत क्रुशल है अपने टू हंड्रेड एंड टेन आप अगर यूट्यूब पे जाओगे जाएगा यूट्यूब पे अरे सर हम तो यूट्यूब पे ही आपको है आपको देख ही रहे यूट्यूब पे मैं जाता हूं भाई रिलैक्स ठीक है ना सो so, यहां पे यहां पे मैं लिखता हूं हर्षद जाजू स्टैंडर्ड्स ऐसा आएगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह की भी लेक्चर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एकदम बहुत भारी करा हुआ है वो अपलोड फिर उसके बाद Good आप ग्रामर एंड स्पेलिंग आर इंपॉर्टेंट बट इफ यू वांट टू राइट एसेज दैट इंस्पायर सो जब आप मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो उस टाइम yeah. पे आपको क्या मिलता है क्या मिलता है आप ये जो है ये स्टैंडर्ड का लेक्चर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना ये मैं ही हूं मैं ही हूं ये तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है देखो इसके अंदर बता दिया गया है टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड टेन लेक्चर जी दो स्टैंडर्ड है अभी तक इसको दो लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है बेनिफिट हुआ है उन बच्चों को हा? तो प्लीज मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच दिस लेक्चर इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी वन देखो बहुत भारी पड़ा है इसके अंदर भी माइंड ब्लोन वगैरह ऐसा ठीक है ना सो so, ये लेक्चर आपने देखना है तो इससे क्या हो जाएगा क्यों देखना है देखा हुआ होगा तो कोई टेंशन नहीं है क्यों देखना है क्योंकि भाई ये आपका ऐसे टू हंड्रेड एंड टेन प्री कंडीशन का ये अग्रींग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिकरिंग ऑडिट में ये वाला सब कुछ पार्ट जो है ये आपका कवर हो जाएगा करेक्ट एकदम सो माई डियर फ्रेंड्स दिस इज वॉट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर वन टुडे मजाक मजाक में सर आज बहुत पढ़ लिया अपन चैप्टर नंबर वन करेक्ट है ना सो आई होप चैप्टर नंबर वन पढ़ के आपको अभी कॉन्फिडेंस आया होगा चैप्टर नंबर वन पे मजा आया होगा एकदम अगर आपको पसंद आया ये आज का सेशन अगर आपको लगता है कि आपका समय एकदम मस्त इन्वेस्ट हुआ है मतलब आपने 90 मिनट्स डेढ़ घंटा आपने मेरे साथ इसको पढ़ा है एक चैप्टर जो शायद आपको कितना समय लगता था आई डोंट नो बट uh, पक्का है कि उससे क, uh, कम समय में अपन ने उसको कवर किया है सो इफ यू आर फाइंडिंग दिस बेनिफिशियल हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना हाउ यू एंजॉय टूडेज लेक्चर आपको कैसे लगा जरूर 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 कमेंट करना कमेंट बॉक्स में ये लेक्चर पोस्ट करूंगा मैं सो so, जिससे क्या हो जाएगा जब मैं चैप्टर टू लेके आऊंगा ना हाँ चैप्टर टू जो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है जो होगा अपना नेक्स्ट सेशन कब होगा नेक्स्ट सेशन कब होगा अपना करेक्ट है ना so, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ बच्चों के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस लव यू जरूर लाइक प्रेस करना अगर मजा आया होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा है ना कि सर बहुत मजा आया और पता भी चलेगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं उसको और कितना उनको फायदा हुआ है तो पता भी चलेगा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ऑडिट ऑडिट ही है चाहे किससे भी पढ़ो नॉलेज सेम ही है बस अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं एकदम क्विकली मजा आएगा उसके वजह से और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना लव यू गाइस गुड नाइट टेक केयर बाय 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 तो बोलो